जोरिल एम 1 टैबलेट, इसे इंटास फार्मास्यूटिकल द्वारा बनाया जाता है। इसका 20 टैबलेट का 1 स्ट्रिप आती है, जिसकी कॉस्ट 203 रुपये, उससे ज़्यादा भी हो सकती है। इसके अंदर 2 मॉलिक्यूल, ग्लिम्परीडिन 1 1 mg है, और इसका मेटफॉर्मिन 500 mg है। इसका इस्तेमाल टाइप 2 के डायबिटिक में किया जाता है। तो कब डॉक्टर आपको इसे रिकमेंड कर सकते हैं, कब आपको इसे लेना चाहिए, क्या फ़ायदे क्या साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, अगर आप कोई डोज मिस करते हैं तो क्या करना चाहिए, क्या आपको जैसे उल्टी आ जा रही लेते समय 10 मिनट के बाद तो क्या करना चाहिए। अगर आप पूरी जानकारी हिंदी में रखना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें, और अपडेटेड रहना चाहते हैं बहुत सारे मेडिसिन से जुड़ी जानकारी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जोरिल M1 टैबलेट का जो इस्तेमाल किया जाता है टाइप 2 के डायबिटिक में किया जाता है, जब आपका हाई ब्लड शुगर लेवल हो जाता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि फ्यूचर में आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है, जैसे कि आपको ब्लाइंडनेस हो सकता है, नर्व डैमेज हो सकती है, किडनी डैमेज हो सकते हैं, और जैसे कि आपको हार्ट अटैक आ सकते हैं, या जैसे कि स्ट्रोक आने के चांसेस रहते हैं। तो आपके ब्लड शुगर लेवल को इसे कम करने के लिए दिया जाता है, और आपका जो ब्लड शुगर लेवल रहता है उसे कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है, और जो फ्यूचर में आने वाली समस्या रहती है उसे कंट्रोल करने के लिए दिया जाता है। तो इसका जो डोज रहता है वो 2 टाइम्स डेली डोज रहता है, मॉर्निंग और इवनिंग, खाना खाने के पहले या बाद में ले सकते हैं। लेकिन जहां तक वो खाना खाने के बाद लेते, ताकि गैस्ट्रिक इरिटेशन या फ्लैटनेस आपके जो पेट में बन रही थी, या जैसे थोड़ा बहुत चक्कर आने के चांसेस रहते, तो वो डिक्रीज हो जाते हैं। तो इसका जो मॉलिक्यूल रहता है, जिसमें मेटफॉर्मिन, ये आपके ग्लूकोज लेवल को कम करता है, जो लीवर में प्रोडक्शन को, और इंटेस्टाइन में ग्लूकोज के प्रोडक्शन को जो रहता है उसके अब्जॉर्प्शन को कम करता है, और जैसे कि यह आपके इंसुलिन को बढ़ाने में मदद करता है, जैसे ग्लिम्परीडिन यह पैंक्रियाज में इंसुलिन बढ़ाने में मदद करता है। तो दोनों ही मिलकर जो आपके ब्लड शुगर लेवल को कम करने में हेल्प करते हैं। अगर इसके साथ में कोई आप एक्सरसाइज ऐड करते हैं, जिसमें रनिंग, वॉकिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, और थोड़ा सा वेट लिफ्टिंग 10 से 15 मिनट करें, वीक में 4 से 5 दिन भी करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन करें जरूर। और जैसे कि आप ऐसे फूड लेना अवॉइड करें, जैसे डिनर या जैसे कि खाना खाना अवॉइड करें जिसमें हाई शुगर लेवल चीज़ें, तो आप ऐसे फूड्स डाइट्स लें जिसके अंदर सुक्रोज लेवल या ग्लूकोज फ्रुक्टोज लेवल का जो मात्रा रहती है वह कम रहे, यानी कि ग्लूकोज लेवल कम रहे। तो जैसे कि आपको अगर इस तरह की टाइप 2 डायबिटिक हुआ रहता है, तो उसमें इंडिकेशन भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपका हीमोग्लोबिन रहता है वह 6.4 से लेकर 6.5 के बीच में रहता है, तो यानी जो आपको प्री डायबिटिक, डायबिटिक 2 डायबिटिक रहता है आपको, और जैसे कि आपको बार बार सुसु आती है और आपको भूख ज़्यादा लगती है, तो एक प्री इंडिकेशन भी रहता है, आप इसे भी समझ सकते हैं। तो जैसे कि इसका जो डोज रहता है वह 2 टाइम्स डेली डोज रहता है, मॉर्निंग और इवनिंग, और जैसे कि आप इसे खाना खाने के बाद ले सकते हैं और उससे पहले भी ले सकते हैं, तो जहाँ तक आप खाना खाने के बाद लें ताकि गैस्ट्रिक इरिटेशन आपको ना हो। तो अगर आप कोई डोज मिस कर जा रहे हैं तो सिंगल डोज ही फॉलो करें, डबल डोज लेंगे तो हो सकता है आपको ओवर डोजिंग हो, जिसके अंदर से आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन देखने में, साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। और जैसे कि आप कोई डोज ले रहे हैं उल्टी आ जा रही, तो सिंगल डोज ही आप फॉलो करें। तो अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं, तो एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। ये वीडियो के एजुकेशन नॉलेज पर्पस के लिए बनाया गया, मेडिकल स्टूडेंट के लिए, खुद से लेंगे तो कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है, जिसमें आपको उल्टी आ सकती है, जी मचला सकता है, पेट में गैसेस बन सकते हैं, आपका ब्लड शुगर लेवल डाउन हो सकता है, सर दर्द हो सकते हैं, डायरिया हो सकती है। तो अगर आप चैनल और वीडियो पर पहली बार विजिट किया, वीडियो आपको जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर दीजिएगा। आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, इनकरेज करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डाउट